बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का करने जा रहे हैं। आज इस क्वेश्चन में हम कुछ मजीद जो है वो नई चीजें सीखते हैं। और आज का क्वेश्चन करने से पहले मेक श्योर क्या आपने प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है वो अच्छे से देख लिए हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो ऐड कर दूंगा, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये वो चैप्टर्स हैं जो हम मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर चुके हुए हैं और उसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। आज के क्वेश्चन में सबसे पहले समरी देखते हैं। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है और साथ में जनाब हमने बैलेंस शीट बनानी है। सवाल को करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिएगा, जो ऊपर हम इब्तदाई चीजें लिखते हैं, नेम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जिस साल का हम बना रहे हो। रिसीट साइड है, रिसीट साइड पे बैलेंस बीडी है, फिलहाल इसको आप छोड़ देंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी लिखेंगे और एंट्रेंस फी लिखेंगे, मिसलिनियस रिसीट लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे। ये जो मैं कह रहा हूं लिखेंगे, इससे मुराद क्या है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि हमने यहां पर रेवेन्यू पेमेंट्स को लिखना है एक्सपेंडिचर साइड पे और रेवेन्यू रिसीट्स को लिखना है इनकम साइड पे। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स हैं उनके मुतालिक मैं कह रहा हूं कि हम इनको लिखेंगे। तो जनाब अली, हमारे पास अब आ गई पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे जनरल एक्सपेंस है लिखेंगे, सैलरीज लिखेंगे, फर्नीचर नहीं लिखेंगे क्योंकि एसेट है, रेंट लिखेंगे, प्रिंटिंग लिखेंगे, रिपेयर लिखेंगे और बैलेंस को छोड़ देंगे। ऑन 31st December 2005 एनुअल सब्सक्रिप्शन इन एरियर, वो सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीवेबल है, जो भी रहती है, और वो है 700 rupees 200 इज टू बी रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर जो है वो डेप्रिसिएशन है और वो कितनी है जनाब, वो है 200। ये सारा डाटा उसने दिया है। देखते हैं जनाब कि हम आज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक्सपेंडिचर साइड पे तमाम रेवेन्यू रिसीट्स को लेना है, सॉरी रेवेन्यू पेमेंट्स को लेना है। ऐसी तमाम अदायगियां जो हम बार बार करते हैं उनको हमने जो है यहां लिखना है। बताया था जनरल एक्सपेंसेस 1084 और सैलरी 1100, रेंट 1120। सोच के क्यों बताते हैं, प्रिंटिंग 250 जी बेटा, रिपेयर 300, रिपेयर हमारे पास कितनी है जी 300। अब आ जाए इनकम साइड पे। इनकम साइड पे जो हमने चीजें लेनी है वो लेनी है जो रेवेन्यू रिसीट्स है जो हमें बार बार मिलती है जी बेटा। एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन 3600, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 3160, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो एडजस्टमेंट भी है 3260, तो एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन एरियर, एरियर कहते हैं जो अभी रहती है, जो भी हमें लेनी है, तो उसको हम ऐड करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 700। तो आंसर आ गया 3960। और हमारे पास कौन सी रिसीट है, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी 400 रुपया, एंट्रेंस फी है 400, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी 500, 500 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 80 रुपया, 80 रुपीज, और मिसलिनियस रिसीट्स मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी आमदनियां 400, 400 तो 6
66 जी बेटा सारी मुकम्मल है। आप जो है वो आप एडजस्टमेंट को देख रहे हैं, कोई एडजस्टमेंट रह गई हो जनाब? जो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट थी इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। आप जो है वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन भी बार बार होने वाला खर्चा है, उसको यहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है तो उसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन उसने खुद ही बताइएगा। 200 ले ना, ले बेटा। अब हमने करना है टोटल, देखेंगे हमारी हैवियर साइड जो है वो कौन सी है। हैवियर साइड वही है, आप उसका टोटल करें और उसमें से ये वाली साइड माइनस करें। बस स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद ये रखना है कि जो रेवेन्यू सीट है उनको हमने लिखना है, रेवेन्यू पेमेंट्स को हमने लिखना है एक्सपेंडिचर साइड पे, और रेवेन्यू रिसीट्स को जो है वो हमने लिखना है इनकम साइड पे। जी बेटा टोटल बेटा इस साइड का टोटल कर लेना, बढ़िया साइड है। तो जनाब बार बार अदा करने वाली जो आमदनियां हैं वो हमने इधर लिखनी है, बार बार मिलने वाली रिसीट्स जो है रूटीन लाइफ में मिलने वाली रिसीट, रूटीन लाइफ में पे करने वाली जो हमारी पेमेंट्स हैं उनको हमने लिखना होता है। जी 5406 इसमें से माइनस कर देंगे सारी चीजें तो हमारे पास जो आंसर आया उसको हमने कहना है सरप्लस। जी 1352 दुरुस्त है जवाब, याद ही उस दो निकाले। जी जरा चेक करें आप लोग अपना दोबारा से आंसर, कैलकुलेशन फिर से देखें कि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जनरल एक्सपेंस लिखे, सैलरीज लिखी, फर्नीचर नहीं लिखना, रेंट लिखा है, प्रिंटिंग लिखी है और रिपेयर भी हमने लिखा और डेप्रिसिएशन भी लिख चुके हैं जनाब। 1 2 3 4 5 ठीक है। और इस तरफ जो है वो हम देखते हैं जी एनुअल सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी, और इसके अलावा जनाबे अली ठीक है सारी चीजें हमने लिखी हैं। अगर तो जवाब आपका दोबारा से वही आ रहा है जो आपने कैलकुलेट किया है तो फिर तो दुरुस्त है, बताएं आप, देखते हैं बैलेंस शीट में जाके क्या प्रॉब्लम है। जी 1352 देख लीजिएगा कि इसमें भी आपको मसला ना हो जनाब। ये हमारे पास अगर 1352 है मान लेते हैं इसको, तो अब हमारे पास एसेट साइड पे देखते हैं क्या आने और लाइबिलिटी साइड पे। जी एसेट में हमारे पास जो है वो फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर कितने का था 1600 रुपए का, उसमें से हमने लेस करनी है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारी 200 है, आंसर आ गया 1400। और बेटा एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वो सब्सक्रिप्शन जो हमने अभी रिसीव करनी है वो भी हमारा एसेट होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वो सब्सक्रिप्शन जिसका अभी हमने फायदा लेना है वो हमारे लिए एसेट है। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस सीडी जो है, बैलेंस सीडी जो है ये हमारा कैश होता है, इसको भी हमने एसेट के तौर पे लिखना है कैश। जी कितना है वो 1728। और हमारे पास और जनाबे अली हमारे पास कोई एसेट अगर हो तो फर्नीचर था लिख लिया है और जनाब यही कुछ था। आप इसका टोटल करें चेक करें और आपकी एसेट साइड कितनी आती है 38 दुरुस्त है जी 38। आप जो है वो लायबिलिटी साइड देखते हैं, लायबिलिटी साइड पे हमने लिखना होता है कैपिटल फंड, और मैंने आपको बताया था जो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, ओपनिंग बैलेंस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो कैपिटल फंड होता है, और वो कितना है 2476। इसमें हमने ऐड करना होता है सरप्लस, तो सरप्लस आप ऐड करें 1300 तो 52 टोटल किया तो 3828।
इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है जो बुक के ऊपर आंसर लिखा है वो गलत है। बुक वाले आंसर को आप लोग दुरुस्त कर लें। बुक पे जो है वो सरप्लस का आंसर कुछ और है, हमारे पास जो है वो सरप्लस का आंसर यही है। और इसी की मदद से देख लें हमारी बैलेंस शीट जो है वो भी बराबर आई है। होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आफ्ताब बताइए।